तीन स्टेप आप बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के, तीन स्टेप, ठीक है, तीन लेवल है, जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, दिया है। सबसे छोटा लेवल पूछा जाता है कौन सा है, तो कौन सा बोलेंगे, जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे छोटा स्तर है डाइवर्सिटी का, विभिन्नता का। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों में कौन सी डाइवर्सिटी है, तो हम लोग सभी एक ही स्पीशीज के हैं, एक ही स्पीशीज के जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक लेवल। सबका जीन अलग अलग है ना, हमारा जीन और आपका जीन क्या है, डिफर है, लेकिन स्पीशीज क्या है, सबकी जाति सबकी सेम है, ठीक है। तो जब स्पीशीज सेम होती है तो उसमें किस चीज का अंतर दिखाई देता है आपको, जीन का अंतर दिखाई देता है। तब किस चीज में डिफरेंस होता है, जीन में डिफरेंस होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या चीज सेम होती है, सेम जीवों में होती है। ये कहाँ मिलेगा देखने को, सेम स्पीशीज के जीवों में मिलेगा, इसमें जीन में विविधताएं होंगी, सबके जीन में डिफरेंस होगा। और ये सबसे छोटा लेवल है बायोडाइवर्सिटी का, स्मॉलेस्ट लेवल है, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई लेवल ही नहीं है, समझ में आया। अब जैसे बुक में एग्जांपल दिया है कि भारत में 50,000 डिफरेंट वैरायटीज है राइस की, चावल की कितनी वैरायटी है, 50,000। सबका सब तो, सब तो राइस ही तो है, अगर देखा जाए सब तो राइस ही तो है। तो राइस में अलग अलग वैरायटी होती है ना, सब राइस है, सब सेम स्पीशीज हो गया ना। जब स्पीशीज सेम हो गया तो वैरायटी होती है अलग अलग, स्पीशीज जब सेम हो जाती है तो अंतर कहाँ दिखाई देता है, वैरायटी में अंतर दिखाई देता है। तो 50,000 वैरायटी किसकी है, राइस की है, इसका मतलब सारा राइस की स्पीशीज सेम हो गया। तो कौन सी डाइवर्सिटी नजर आ रही है आपको, इस जेनेटिक लेवल, ठीक है। इसके बाद 1,000 वैरायटी मैंगो की है, तो अगर मैं बोलूं मैंगो सारे डिफर हैं, सारे मैंगो आपस में डिफर हैं, लेकिन है तो मैंजी फ्लोरा इंडिका, सबकी स्पीशीज क्या है, इंडिका सेम है ना, सभी मैंगो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सबकी वैरायटी अलग अलग है, ठीक। डॉग है, डॉग की एक पॉपुलेशन है, सारे डॉग तो डॉगी तो है, सबकी स्पीशीज सेम है, सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, वो अंतर क्या है, जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। अब लिखा गया है इसी में एक पॉइंट और लिखा गया है, एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, रॉल्फिया वोमिटोरिया, जेनेटिक वाला बिना किसी डिस्टर्बेंस के नहीं मिलता है, मतलब सर जी जेनेटिक में हमको या हमारे द्वारा या नेचर के द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस किया गया तभी वो मिलता, नहीं तो सभी स्पीसीज लेवल पे रहती हैं। नहीं, नेचर में जैसे आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि जीन डिफर कैसे करता है, कैसे विकास हुआ है, विकास इवोल्यूशन जो हुआ है वो जीनों को आपके जो है जीन में डिफरेंस होता चला गया तभी तो विकास हुआ है, और जीन में डिफरेंस आता कैसे उसका बहुत सारा एग्जाम्पल, हाइब्रिडाइजेशन सुन लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन से जीन चेंज होता है, म्यूटेशन से होता है, नेचुरल सिलेक्शन जब होता है तब भी जीन बदलता है। तो इसका मतलब सर जी सभी लोग पैदा हुए एक जगह से, कुछ लोग ज़्यादा डेवलप हो गए, कुछ लोग कम डेवलप हैं, लेकिन उनकी स्पीसीज सेम है, और वो लोग मतलब जो डेवलपमेंट के आधार पर कि उनका जीन कितना डेवलप कर गया है। नहीं, जैसे मैंने एक चीज़ कहा, अगर ह्यूमन की बात करें तो सारे ह्यूमन की स्पीसीज सेम है, समझते हैं ना, सारे ह्यूमन होमो सेपियन ही तो है, सब कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई सब सेपियन है ना, हम लोग होमो सेपियन ही आता है, तो सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना जीन में, जीन की वजह से, तो ये जीन की वजह से डिफरेंस है, ये सबसे छोटा स्तर है, इससे छोटा स्तर कोई हो ही नहीं सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ह्यूमन होमो सेपियंस की कितनी वैरायटी पाई जाती है, उसमें कई वैरायटी है सर, होमो सेपियन एक स्पीसीज हो गया, होमो सेपियन नियंडरथैलिस और ये जो आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन बुक वैरायटीज, उसमें इसमें ह्यूमंस की भी जैसे हम लोग कहते हैं ये चाइनीज मतलब दिखने में कुछ अलग, और आप जैसे 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 फॉरेन कंट्री में जाएंगे उसमें वैरायटी बदलेगा, ह्यूमन का वैरायटी बदलेगा, ठीक है। वैरायटी कोई क्लियर नहीं है कितनी है, लेकिन ये है कि वैरायटी बदलती है कंट्रीज में जाने पर, ठीक है। तो इस सबसे समझ में आए, आगे इसमें एक लिखा गया, एक मेडिसिनल प्लांट है रॉल्फिया वोमिटोरिया, रॉल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट में देखेंगे मिलेगा। इसमें क्या है, एक केमिकल बनाता है रेस्पिरिन, एक केमिकल बनाता है उसका नाम क्या है, रेस्पिरिन, ठीक है। तो जितने मेडिसिनल जितने प्लांट है, जितना ये जो प्लांट का नाम जो दिया गया है रॉल्फिया वोमिटोरिया, सबकी स्पीसीज क्या है, सब वोमिटोरिया है, लेकिन सभी में रेस्पिरिन का कंटेंट क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि सारे
सभी का जीन अलग अलग है, सभी का क्या है जीन अलग अलग है। जैसे बहुत सारे मैंगो में देखते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कुछ मैंगो में प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो क्या कारण है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उस मैंगो में, कुछ मैंगो प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जीन अलग अलग है भाई, उसकी वैरायटी अलग है और दूसरे की वैरायटी क्या है अलग, लेकिन स्पीसीज क्या है सेम है, समझ में आ ना, सबकी स्पीसीज क्या है सेम। आगे देखिए दूसरा स्तर जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेकंड क्या है स्पीसीज लेवल। यहाँ पर विभिन्नताएँ किस लेवल पर होती हैं, स्पीसीज के लेवल पर जातियाँ बदलती हैं, ठीक है समझ में आ रहा है। जैसे अगर देखा जाएगा वेस्टर्न घाट और क्या है ईस्टर्न घाट, ठीक है वेस्टर्न घाट है और एक होता है ईस्टर्न घाट, समझ लेना। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मतलब भारत में एकदम वेस्ट साइड में चले जाइए तो वहाँ वेस्टर्न घाट कुछ एरिया है वेस्टर्न घाट, और हिमालय के आसपास का कुछ एरिया है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की, एम्फीबिया समझ रहे ना, एम्फीबिया एम्फीबिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे एम्फीबियन स्पीसीज हैं कहाँ वेस्टर्न घाट में, लेकिन ईस्टर्न घाट में एम्फीबिया की स्पीसीज क्या है कम है, ठंड की वजह से, इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं, और यहाँ एम्फीबिया की जातियाँ क्या हो गई कम हो गई कहाँ ईस्टर्न घाट में, ये डिफरेंस है। तो ये कैसा लेवल है, ये स्पीसीज का लेवल, मतलब सीधा सा सेंस है कि जब स्पीसीज बदलेगा तो कौन सी डाइवर्सिटी जनरेट होगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, समझ में आ रहा है। और अगला लेवल है इकोलॉजिकल लेवल, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम लेवल। तो जानते हैं सर तो बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, ठीक है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो गया और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम और कई इकोसिस्टम, अल्पाइन टुंड्रा हो गया, कोरल रीफ्स हो गए, ठीक है, इसके बाद में एस्टुरीज हो गया, वेटलैंड्स हो गया, एनसीईआरटी में नाम लिखे हैं। जितने इकोसिस्टम हैं क्या सारे इकोसिस्टम सेम हैं, नहीं है, सभी इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये वेरिएशन किस लेवल पर है, इकोसिस्टम के लेवल, ठीक है। सबसे छोटा लेवल डाइवर्सिटी का जेनेटिक, उससे बड़ा स्पीसीज वाला, और उससे बड़ा लेवल होता है इकोसिस्टम लेवल, समझ में आया। कोरल रीफ्स जो होती है ये वाटर के नीचे मतलब ओशियन में शैवाल भित्ति बना के, ओशियन में जो आपने सिलेंटेटा फाइलम पढ़ा हुआ है, फाइलम सिलेंटेटा, उसमें पॉलिप आती है, मेडुसा आती है, स्टेजेस होती है ना, ये एनिमल्स होते हैं, मतलब दे आर सिलेंटेट, ये ऐसे एनिमल जो सिलेंटेटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पानी में और पानी में रहते हैं, डीप रहते हैं, और अपनी बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक मतलब सिलेक्ट करते रहते हैं, पर बनाए रखने वैसे लग नजर आता है, काफी हार्ड नजर आता है, स्केलेटन टाइप हार्ड, उनका स्केलेटन बहुत हार्ड नजर आता है, इसे बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है, कोरल्स के द्वारा बनते हैं सर, कोई नया द्वीप कोरल के द्वारा बनता है ना, बन सकता है, ठीक है, आकर वो जो है पूरा एक ऐसा छोटे छोटे धीरे धीरे बनते हैं। ये लेवल समझ में आया, एक है आयुसीएन, सब लोग समझ रहे ना, आयुसीएन क्या होता है, आयुसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आयुसीएन एक संस्था है स्विट्जरलैंड में, वो क्या बताती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं नेचर में हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया एक संस्था, और ये जो डाटा दिया गया है ये किसमें दिया है, 1.7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी टोटल स्पीसीज है, आईयूसीएन का डाटा है, ठीक है, इन्होंने बताया कि टोटल स्पीसीज 1.7 मिलियन से। अब एक एनसीईआरटी में एक देखिए फिगर ओपन होगा इस तरीके से, इस फिगर से क्वेश्चन कैसा आता है, देख रहा है ये फिगर आपको मिलेगा, ये वाला देख रहे हैं, इस फिगर में सब लोग ओपन कर लीजिए, उसमें दिया गया है, तुम्हारे पास बुक नहीं है सर, हमको डायग्राम बना, ठीक है सर, नहीं नहीं डायग्राम को बनाना पड़ेगा, इसको बुक दे दो आप देख लीजिए सर, जल्दी समझ में आ जाएगा ना। देखिए डायग्राम में देखिए तीन, उसको देखिए मेरे पास, ध्यान से देखिए डायग्राम को, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स का है, मिला,
यही डायग्राम। इनवर्टिब्रेट्स आपका शेर के वर्टिब्रेट और प्लांट पौधों का है, ठीक। देखते रहिए डायग्राम को। पहला जो है पूछा जाता है, इसमें आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा। जितने नाम लिखे हुए हैं इधर ना, सबसे बड़ा ग्रुप किसका है, देख रहे हैं इंसेक्ट, सबसे बड़ा ग्रुप किसका है, इंसेक्ट का, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, उसकी सबसे बड़ी क्लास कौन सी, इंसेक्ट है। तो इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, इंसेक्ट में। उसके बाद में देखिए मोलस्का का नंबर दिया हुआ है, उसके आगे क्रस्टेशियंस दिया, उसके आगे अदर एनिमल्स। ये आपको सीक्वेंस एज सच पता होनी चाहिए, सीक्वेंस समझ रहे हैं, जैसे मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये इन्वर्टिब्रेट में पूछा जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, और ये इस तरीके से, ठीक है। पूछेंगे ये तो इंसेक्ट का है, किसका है, इंसेक्ट का है, ठीक है। ये इसके बगल में ये मेंशन कर दिया जाएगा, आगे आने का रहेगा, ये पूछा जाएगा ये क्या है, तो इंसेक्ट के जस्ट इधर क्या है, क्या है, मोलस्कस है ना, उसके आगे क्या है, क्रस्टेशियंस हैं, और उसके आगे अदर एनिमल्स के ग्रुप। समझ में आ रहा है, जैसे इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी, इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसे इन्वर्टिब्रेट जो क्या है, इंसेक्ट की संख्या, उनका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद लिखा है अदर एनिमल्स ग्रुप। अब अदर में कौन कौन सा हो सकता है, जान रहे हैं, अदर में बताइए कौन कौन सा। यहाँ कितना लिखा है, मोलस्का लिखा हुआ है, लिखा है सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा आता है, ठीक है। यहाँ इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है कि इंसेक्टा है, उसके जस्ट बगल में क्या है, मोलस्का है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में क्रस्टेशियंस है। क्रस्टेशियन कुछ अलग नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा का ही एक ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा का ही एक ग्रुप है, जिसमें प्रॉन आता, झींगा, मछली आती है, ठीक है। अदर में क्या है, अदर में सब आ जाएगा, जैसे इकाइनोडर्मेटा कहाँ आएगा अदर में, एनिलिडा कहाँ आएगा अदर में, ओरिफेरा है, सब कुछ है, सब अदर में आ जाएगा, ठीक है, तो अदर में सब इंक्लूडेड है। ऐसे वर्टिब्रेट में देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, फिशेज हैं, दिख रहा है, तो फिशेज है। उसके बाद देखिए यहाँ है मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गया, एम्फीबिया। ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है कि फिशेज है, उसके जस्ट बगल में क्या दिया हुआ है डायग्राम में, बुक में, उसके जस्ट बगल में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स में फंजाई है, एंजियोस्पर्म, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, एंजियोस्पर्म, लगभग 2.5 लाख एंजियोस्पर्म है और 1 लाख फंजाई है, 1 लाख फंजाई की वैरायटी है और 2.5 लाख एंजियोस्पर्म। और लिखा गया फर्म्स का मतलब टेरिडोफाइट और लाइकेंस एल्गी, इसमें जिम्नोस्पर्म कहीं दिखाया नहीं गया, देखिए इसमें कहीं जिम्नोस्पर्म को नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की संख्या बहुत कम है, सैकड़ों में है, जिम्नोस्पर्म की वैरायटी सैकड़ों में, इसलिए उनको दिखाया नहीं गया, बहुत कम है उनका वैरायटी, डाइवर्सिटी बहुत कम है, ठीक है। बाकी में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा उसी को मेंशन किया गया है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप जिम्नोस्पर्म बहुत कम संख्या में है, हाँ, उनकी वैरायटी नंबर और वैरायटी अलग होती है, स्पीशीज की संख्या। देखिए ध्यान सुनिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब संख्या से नहीं होता है, संख्या नहीं है, ये आपका स्पीशीज है, कितना वेरिएशन, कितनी टाइप है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, टाइप्स, स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज में वैरायटी भी हो सकती है, उसमें वैरायटी भी हो सकती है, लेकिन नंबर अलग चीज़ है। हाँ, इसमें उसमें इसी को रखा ही गया, देखिए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म को इसलिए नहीं रखा गया इसमें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में डाइवर्सिटी कम है, समझे। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कैसे बदलती है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, कैसे बदलती है, तो सब जानना है कि अगर हम लैटिट्यूड समझ रहे हैं ना, लैटिट्यूड और एक वर्ड क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि इक्वेटर से आप कहाँ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है आप प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। प्लेन से मैदानी भाग से पहाड़ी भाग की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप एल्टीट्यूड बढ़ रहे हैं, आपका एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इक्वेटर से अर्थ पर जो इक्वेटर है यहाँ से और पोल्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे वाली पोल की तरफ जा रहे हैं, अभी क्या होता है, तब लैटिट्यूड बढ़ता है, समझ में आया, तब लैटिट्यूड इंक्रीज करता है। यहाँ जीरो डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जितना ऊपर बढ़ते चले जाएगा उतना ही लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या होता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है प्लेन से माउंटेन्स की तरफ, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, जैस एक एनसीईआरटी में ये डाटा दिया होगा, पुराने वाले में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, कोलंबिया एक प्लेस है, जैसे देखिए 1400 है ना जिनको बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझाया ये गया है कि जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ेंगे या लैटिट्यूड चेंज करेंगे, ठीक, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी घटेगी या बढ़ेगी। इक्वेटर अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ में बीच में इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा बायोडाइवर्सिटी, क्यों, उसी पे सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर के इधर और इधर 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री के इधर का जो एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र, समझ में आ रहा है, जितना ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ही ठंडक बढ़ती चली जाएगी, और ठंडक बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी घटती है, टेम्परेचर घट रहा है, पोल्स पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होती है वेरिएशन। तो देखिए लिखा गया है कि कोलंबिया जो है वो 4.5 डिग्री नॉर्थ में है, 4.5 डिग्री नॉर्थ समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनका है नॉर्थ पोल है, इनका है साउथ है, ठीक है। जब इक्वेटर से आप 4.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे कितना बढ़ेंगे, 4.5 डिग्री, ठीक है, तो कोलंबिया नजर आएगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कितनी है, 1400 बर्ड की स्पीसीज हैं, 1400 चिड़िया हैं स्पीसीज हैं, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, लेकिन जैसे अब इंडिया कहाँ है, 20.5 डिग्री कहाँ है, नॉर्थ में है हमारा इंडिया, ये इक्वेटर के इस साइड में है, 20.5 डिग्री है इस साइड, ठीक है, एंगल पर, वहाँ पर बर्ड की कितनी डाइवर्सिटी है, 1200 घट गया ना, बर्ड की कितनी वराइटी, टोटल स्पीसीज कितनी है, 1200, इसका मतलब कम हो गया, कम क्यों हो गया, जैसे जैसे आप जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा जैसे घटती है, चलते चले जाएंगे तो एंगल बढ़ता चला जाए, कोलंबिया जो है 4 डिग्री नॉर्थ पर है, इंडिया 20.5 डिग्री नॉर्थ पर है, ठीक है, तो डाइवर्सिटी कम हो गया और एंगल चेंज होगा, जितना एंगल बढ़ेगा उतना डाइवर्सिटी घटेगा। देखिए डाटा दिया हुआ है, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पर है, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, 41 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की पोल पर 41 डिग्री पर है, ठीक है, 41 वहाँ डाइवर्सिटी और कम होगी, ठीक कितनी है, 105, और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में है, ग्रीनलैंड कहाँ है, 71 डिग्री नॉर्थ में है, 56 मात्र, 56 स्पीसीज हैं कहाँ, बर्ड्स में, समझ में आ रहा है। और अगर कहें 90 डिग्री नॉर्थ तब क्या होता है, जीरो, तो 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब एकदम पोल पर पहुँच गए, एंगल चेंज का मतलब 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 90 डिग्री पोल, कोलंबिया जो सबसे लास्ट का जो डाटा दिया हुआ था, कोलंबिया कहने 70 डिग्री को यहाँ पर है, 71 डिग्री, ठीक है, 90 जब हो जाएगा तो पूरा पोल चला जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगी डाइवर्सिटी, ठीक। तो जैसे ऐसे क्या बदला यहाँ पर, लैटिट्यूड बदला, लैटिट्यूड समझ में आ रहा है ना, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर, इक्वेटर से पोल, सॉरी, तो डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
रीजन क्या है, अब कारण आ गया, आपका रीजन पढ़ेंगे तो रीजन ये होता है, एक तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर टेम्परेचर घटता है। दूसरा क्या है, सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, मौसम बदलता रहता है। जानते हैं इक्वेटर जो लाइन है, अर्थ की इक्वेटर लाइन समझ रहे ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। क्यों है, क्योंकि वहाँ तापमान भी ज़्यादा है और बारिश भी अच्छी खासी होती है, और बायोडाइवर्सिटी या प्रोडक्टिविटी हाई तब होगी, फोटोसिंथेसिस हाई तब होगी जब टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर भी ज़्यादा रहेगा, तभी तो फूड ज़्यादा बनेगा। अगर प्लांट की वैरायटी ज़्यादा होगी तभी तो एनिमल्स की वैरायटी ज़्यादा होगी। भाई खाना ज़्यादा बनेगा तभी तो वहाँ पर वेरिएशन नज़र आएगा ना, तभी तो जीव जंतु रहेंगे, अदरवाइज कौन रहना पसंद करेगा वहाँ पर। इसीलिए इक्वेटर लाइन पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर जैसे चलते चले जाएंगे नॉर्थ या साउथ में, तो सीजन में वेरिएशन आता है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। एक टेबल और दी हुई है आगे क्या, प्लांट्स की, ठीक है, एक टेबल और होगी कि अमेजन सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में, सबको पता है, ठीक। अब जो समझने वाला है वो आप समझ लीजिए। एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है। पहला कारण उसका था कि जब हम लैटिट्यूड चेंज करते हैं या एल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो डाइवर्सिटी घटती है। दूसरा रीजन देखिए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया हुआ है, दूसरा कारण है कि बायोडाइवर्सिटी चेंज होने का कारण देखिए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी कारण है इसका, बायोडाइवर्सिटी चेंज होने का एक कारण, ठीक है। इसमें देखिए ग्राफ बना होगा इस तरीके से, अगर इस वाली एक्सिस पर आप एरिया ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस का मतलब समझते हैं क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टाइप की स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज का बढ़ना ही स्पीसीज रिचनेस होती है, अगर किसी एरिया में स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब वो एरिया तब बताइए। जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते चले जाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, ठीक है, कैसे ग्राफ है ये, वो सिंगवर्ड नहीं है, सिंगवर्ड कैसे बनता है, सिंगवर्ड में यहाँ से कैसे उठाते हैं, ये सिंगवर्ड समझ रहे ना, सिंगवर्ड नहीं है, सिंगल से बनाते हैं, ये कर्व है ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा एक कोई फॉरेस्ट लिया, ठीक है, या कोई एरिया, उसमें आपने स्पीसीज जितना है प्लांट एनिमल सारी स्पीसीज को आपने गिन लिया, कितनी स्पीसीज के पौधे हैं, कितनी स्पीसीज के जानवर हैं, ठीक है। अब आपने और बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया, अब सोचा कि और बड़े एरिया में देखते हैं कि कितना प्लांट और एनिमल के स्पीसीज हैं, आपने और बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया, तो स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे एरिया आप बड़ा कंसिडर करते चले जाएंगे, एक छोटा सा घास का मैदान देखिए, वहाँ पर आप जीव जंतुओं को काउंट करिए कितने स्पीसीज के हैं, और एक बड़ा सा खेत ले लीजिए, जाहिर सी बात है कि बड़े से खेत में ज़्यादा टाइप के जीव जंतु आपको मिलेंगे, और एक पूरा सा और बड़ा सा एरिया कंसिडर कर लीजिए और ज़्यादा टाइप के जीव जंतु मिलेंगे, पूरी पृथ्वी ले लेते हो, पूरी पृथ्वी कंसिडर कर लेंगे और जल्दी के लिए कब तक होगा, क्या ऐसा होगा कि एरिया बढ़ाते रहेंगे तो आप जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी, एक समय तक बढ़ेगा, क्योंकि जितनी संख्या है उसके ऊपर तो संख्या मिलेगी नहीं। आप एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एरिया बढ़ाने पर आपको नए नए जीव जंतु मिलते चले जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी मिलती चली जाएगी, स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, ये लाइन बढ़ेगी, एरिया बढ़ाने से बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ तक चलता है। इसके बाद क्या होगा, आप ये कॉन्स्टेंट हो जाए, आप कितना भी एरिया बढ़ा लीजिए, स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ने का, ठीक है। यही है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, हम अगर एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है। इसको एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट, ठीक है, उन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में इस चीज़ को रियलाइज किया था, अनुभव किया था,
ये जो ग्राफ दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इस पर एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, वो कहाँ की बात है, साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट की बात है, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब इसमें जो इक्वेशन है एस इक्वल टू, देखिए लिखा होगा एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड, ठीक है, एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड, स्क्वायर नहीं है वो, क्या है, जेड है। तो यहाँ पर एस क्या है, स्पेसिफिक रिचनेस है, एस क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक रिचनेस दे रहे हैं, ये वाली एक्सिस, ए क्या है यहाँ पर, एरिया है, सी क्या है, वाइड कंसेप्ट, वाइड कंसेप्ट समझ रहे हैं, वाइड ग्राफ है एमसी स्क्वायर वाला, नहीं नहीं वाइड कंसेप्ट का मतलब ये लाइन ऊपर कहाँ तक मैक्सिमम गया, ये कर्व ऊपर कितना मैक्सिमम गया, कितना ऊपर तक कर्व गया, यहाँ तक गया था, इसके ऊपर तो जा नहीं रहा कर्व, इस लाइन को आप यहाँ इस एक्सिस पर ड्रॉ करिए, इंटरसेप्ट वैल्यू आएगी स्पेसिफिक रिचनेस की, सी की, कितनी वैल्यू आएगी ना, सी की, यही है सी, इस लाइन को जब ये वाई पर यहाँ पर इंटरसेप्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, वो सी की वैल्यू रहती है। जेड क्या होता है, कोई बताएगा जेड क्या है यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन इस लाइन का स्लोप क्या है, आ रहा है समझ में, कैसे तुम छोटे तो मैच ये जिस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप देखिए, स्लोप का मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, कितना कितना आप जो है ये देखिए, अगर मैं बोलूँ जिसका इसमें से देखिए यहाँ से एक ये है कंडीशन, एक ये है, इसमें से किस जेड की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, यहाँ जेड ज़्यादा है, यहाँ जेड कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, सबसे ज़्यादा जेड की वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ स्लोप ज़्यादा खड़ा है, ठीक है, जितना ज़्यादा डेटा हुआ रहेगा उतने जेड कम, ठीक। अब बताइए अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस रेशनेस बढ़ेगा, अभी इस कर्व को उठा करके मैं ऐसे कर्व इसको लिटा दूँ, कर्व देखिए ये लाइन और जेड कम हो रहा था, इसको यहाँ पे लाएंगे बताइए इतना आ गया, इस प्रोसेस रेशनेस कितने आ गई, मतलब जेड से डिसाइड हो रहा था, जितना ज़्यादा इसका स्लोप रहेगा इस कर्व में, जितना ज़्यादा जेड की वैल्यू रहेगी, स्लोप जितना ज़्यादा रहेगा इस लाइन पे हम लाएंगे, तो ये स्लोप देखिए, ये स्लोप इधर आया, यहाँ पे लाया उतनी आई स्पेशल रिचनेस, इस वाले में इतनी आ गई, घट गया, डाइवर्सिटी कम हो गई इसमें ना, तो जेड डिसाइड करता है, ये जेड सब एरिए का अलग अलग होता है, कितनी डाइवर्सिटी है, जेड अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर एरिया में स्पेशल रिचनेस अलग अलग होती है, ठीक है, जैसे आप कोई एरिया कंसीडर किए हैं और एक दूसरा एरिया है तो वहाँ पर स्पेसिफिक रिचनेस कुछ और होगा, टाइप ऑफ स्पेसिस, हाँ हाँ वैल्यू दी हुई है, हाँ इसकी वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू इसमें बुक में दिया है कि इतने से इतने रेंज दिया हुआ है, ठीक है, इसको लॉग स्केल पर लेंगे तो ये जो इक्वेशन है लॉग सब लोग जानते हैं ना, लॉग एस, ठीक है, लॉग सी सब पता है इसको, जेड लॉग ए हो जाएगा, और लॉग स्केल पर ये कर्व कैसा जाएगा, स्ट्रेट ये ऐसे जाएगा, ये रेक्टेंगुलर है, ये कर्व जो है लॉग स्केल पर कैसा हो जाएगा, जानते हैं इस कर्व ऐसा हो जाएगा ना, पता हाँ इंटरसेप्ट, अब बुक में जेड की वैल्यू दी हुई है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि टिक कर लीजिएगा जेड की वैल्यूज क्या है, अगर 0.1 से 0.2 के लिए है तो वो क्या है, वो कुछ एरिया की बात की गई है, जैसे ब्रिटेन में जो प्लांट्स हैं और कैलिफोर्निया में जो बर्ड्स हैं और न्यूयॉर्क में जो मोलस्कस हैं, वहाँ जेड की वैल्यू कितनी है, 0.1 से 0.2 है जेड की वैल्यू, ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा रख लीजिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया जो होता है, और एक होता है टेम्परेट एरिया, अर्थ हो गया आपका, ठीक है, अर्थ में बीच का जो एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया, और उससे इधर और इधर चले जाइए वो क्या है, टेम्परेट एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेट एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम है, तो कारण क्या है, पहला रीज़न तो ये है कि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, हाई है, क्यों जानते हैं हाई है,
क्योंकि आपकी अर्थ जो होती है इस तरीके से टिल्ट है, ऐसे नहीं है अर्थ, ऐसे है ना, ये सन सन का जो रेडिएशन आता है वो पोल्स की तरफ कम लाइट आती है। सन से पोल्स ठंडे क्यों होते हैं, पोल्स जो है वो कूल क्यों होता है, क्योंकि सन का रेडिएशन जब आता है तो डायरेक्ट जो है ट्रॉपिक्स पर आती है लाइट, जहाँ तिरछी लाइट जाती है सन से तिरछी लाइट जाती है कहाँ, पोल्स पर। डायरेक्ट लाइट कहाँ आती है, ट्रॉपिक्स पर आती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स पर टेम्परेचर क्या है, हाई है, लेकिन टेम्परेचर हाई के साथ साथ क्या है, रेनफॉल भी तो ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी। तो रेनफॉल ज़्यादा है, तो रेनफॉल जब ज़्यादा है तो वो बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा होने के लिए, या पॉपुलेशन अगर कहीं बढ़ रही है तो उसका कारण जानते हैं क्या है, या प्लांट अगर अच्छा ग्रो कर रहा है तो टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए। अगर खाली टेम्परेचर होता है तो डेजर्ट में आज प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और डेजर्ट में आज जो है वैरायटी ज़्यादा मिलती, लेकिन डेजर्ट में ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि केवल टेम्परेचर ही नहीं, टेम्परेचर के साथ मॉइस्चर भी ज़रूरी है। इसीलिए पोल्स में मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो पोल्स की डाइवर्सिटी कम क्यों है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नहीं है, पोल्स पर टेम्परेचर नहीं, दोनों होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए, तब डाइवर्सिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का एक कारण ये है कि लाइट जो है वहाँ डायरेक्ट आ रही है, वहाँ रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, बॉम्बे की तरीके से मौसम एक जैसा रहता है होल ईयर, समझ में आया, होल ईयर मौसम एक जैसा रहता, कोई सीजन में वेरिएशन नहीं है। सीजन में जब वेरिएशन होता है तब क्या होता है, डाइवर्सिटी घटती है, क्योंकि सीजन वेरिएट कर गया, प्रोडक्टिविटी प्लांट कम कर दिए, फूड कम बनाए, और जब फूड कम बनेगा तो वहाँ के एनिमल्स माइग्रेट करके कहीं और चले जाएंगे भोजन की सर्च में, तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी उस एरिए की। नहीं, वो सीजनल वेरिएशन नहीं है, वो सीजनल का मतलब टेम्परेचर से वेरिएशन है, ठीक है। अगला एक रीजन और दिया हुआ है इसमें, देखिए सर, पानी एरिया ट्रॉपिकल में नहीं है, नहीं, अब देखिए एक टॉपिक दिया आप पेज पर के, उसमें देखिएगा आगे लिखा होगा स्टेबल इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम है वो स्टेबल कैसे माना जाता है, इकोसिस्टम समझे, पॉन्ड है, रिवर है, ओशियन है, इकोसिस्टम स्टेबल कब होता है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो स्टेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में, अगर आप बोलें स्टेबल है वो, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का स्टेबल इकोसिस्टम, कौन में आया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, खाना अवेलेबल होना चाहिए, प्लांट में फोटोसिंथेसिस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जैसे प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगा तो वहाँ की जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड हैं वो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे या तो गायब हो जाएंगे या कहीं और माइग्रेट कर जाएंगे, समझ में आया। तो प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए स्टेबल इकोसिस्टम के लिए। दूसरा है कि इट मस्ट बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट द डिस्टरबेंस, उस इकोसिस्टम में कोई नेचुरल और मैन मेड डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पर कोई ह्यूमन का डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, जैसे अगर जंगल है, ह्यूमन उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको काट रहा है, तो स्टेबल थोड़ी ना माना जाएगा, उसमें कोई नेचुरल डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नेचुरल का मतलब नेचर का, और कोई मैन मेड डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस से जानते हैं डाइवर्सिटी घटती है ना, नेचर कोई अभी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया किसी एरिया में, सुनामी आ गया तो पता लगा खत्म हो गया वो सब, ठीक है। अगला है कि वो इकोसिस्टम स्टेबल माना जाता है जहाँ पर कोई, वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम रेजिस्टेंट होना चाहिए एलियन स्पीसीज के लिए। एलियन स्पीसीज समझते हैं, विदेशी जो आए, दूसरा कोई है, जो बाहर की स्पीसीज अगर इंडिया में कोई आ रही है, उनके पास जैसे आईकॉर्निया जलकुंभी जो आया था वेस्ट बंगाल में, आकर के वहाँ पर इतना टेरर क्रिएट करा दिया, टेरर क्या क्रिएट करा दिया, वाटर पॉल्यूशन सुखा दिया, तालाब वालब सुखा के खत्म कर दिया, लाया गया था उसको खूबसूरती के लिए, फ्लावर्स अच्छा देखने में, इसी तरीके से। तो
एलियन स्पीसीज है, ध्यान सुनिएगा, वो वाटर हाई सेल्फ हाइपोर्निया क्या है, एलियन स्पीसीज है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में जो पार्थिनियम है जिसको आप कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये भी क्या है, एलियन स्पीसीज है, इंडिया की नहीं है। तो इकोसिस्टम वो स्टेबल होता है जो एलियन स्पीसीज के लिए रेजिस्टेंट होता है, कि कोई बाहर से स्पीसीज आई वो अपना इफेक्ट ना दिखा पाए। अगर वो अपना इफेक्ट दिखा देगी तो पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर देगी, इकोसिस्टम को डैमेज कर देगी, तो इकोसिस्टम उसके लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए, फिर उस एलियन स्पीसीज के इंट्रोडक्शन से उस पर कोई फर्क ना पड़े, समझ में आया, वही इकोसिस्टम क्या होता है, स्टेबल माना जाता है। तो तीन क्राइटेरिया हुए एक स्टेबल इकोसिस्टम के, ध्यान सुनिएगा फिर से, पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होने चाहिए इकोसिस्टम में। दूसरा क्या है कि वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, ना तो उसमें कोई नेचर डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ना ही कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि उसमें कोई बाहर की स्पीसीज का इंट्रोडक्शन ना हो, वो अगर हो तो वो रेजिस्टेंट हो, उसका कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। वो कोई एलियन स्पीसीज या तो आए ना, और आ जाए तो वो वहाँ कोई फर्क ना पड़े, तभी वो स्टेबल माना जाएगा, अदरवाइज तो उसको सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए किसी भी इकोसिस्टम में हर स्पीसीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, या जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए एक रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी कि स्टेबल इकोसिस्टम तब माना जाएगा जब वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगर सोचिए अगर डाइवर्सिटी घट जाए इस अर्थ से तो क्या होगा, डाइवर्सिटी घटने का मतलब समझ रहे हैं ना, स्पीसीज कोई एक स्पीसीज चली जाएगी, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में से अगर मान लीजिए डियर चले जाए, गायब हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्शन से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, उस पर जो निर्भर है वो खत्म हो जाएगा, घास बढ़ जाएगा, घास बहुत बढ़ जाएगा, उनको कौन खाएगा, ठीक है। हालांकि घास को खाने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ेगी क्योंकि एक तो हट गया ना डियर वहाँ से। तो ऐसी स्पीसीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, डाइवर्सिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इसी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है पॉल इक्लिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने समझाया था एक एग्जाम्पल लेकर के एरोप्लेन का। उन्होंने बोला, उनकी हाइपोथेसिस थी रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, सुन लीजिए ना, राइवेट का मतलब, उन्होंने बोला जैसे एक एरोप्लेन है उसको आप इकोसिस्टम मान लीजिए, एरोप्लेन को क्या मान लीजिए, इकोसिस्टम, ये जहाज है हवाई जहाज, इसको आप इकोसिस्टम मान लीजिए, ठीक है। और ये हवाई जहाज जो कि इसके जितने पार्ट्स हैं वो सारे स्क्रू से सेट किए गए हैं, किससे सेट किए गए हैं, स्क्रू से, ठीक है, इसके विंग्स और बाकी चीज़ें क्या है, स्क्रू से सेट है इसके पार्ट। अगर इनके स्क्रू को ढीला कर दिया जाएगा तो हवाई जहाज की फ्लाइंग सेफ्टी खराब हो जाएगी, उठ नहीं पाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से क्या है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक हवाई जहाज के तरीके से, हमारा इकोसिस्टम क्या है उसको कंसीडर करिए आप एरोप्लेन से, एरोप्लेन से कंसीडर करना है, ठीक है। एरोप्लेन में जो एरोप्लेन को क्या बोलते हैं, राइवेट, क्या बोलते हैं, राइवेट, राइवेट है ना, नाम से लिखा हुआ देख लें एक बार, राइवेट स्पीसीज है, ठीक है, राइवेट स्पीसीज है। तो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो किसी भी इकोसिस्टम से अगर कोई एक स्पीसीज गायब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसी तरीके से एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन के जो स्क्रू हैं, ठीक है, वो अगर निकल जाएंगे तो उसकी फ्लाइंग सेफ्टी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज। तो उसको एक एग्जांपल लेके समझाया, अब कुछ देखिए डाटा लिखा हुआ है इसमें, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, देखते रहिए इधर, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ठीक है। अब तक टोटल 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, मास एक्सटेंशन जानते हैं क्या होता है, विलुप्त जातियाँ विलुप्त होती हैं, एक एक दो दो स्पीसीज विलुप्त हो रही है तो उसको मास नहीं बोलते हैं। एक बड़े समूह में अगर जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं, एक बड़े समूह में मास में,
उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, जिनकी संख्या ज्यादा हो एकाएक खत्म हो रही है, एकाएक खत्म हो रहे हैं। और एक बड़े समूह में बहुत ज्यादा जातियां जब एक साथ खत्म हो जाती है तो बोलते हैं मास एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त हो जाना, और मास का मतलब इकट्ठा विलुप्त हो जाना। अगर कोई इक्का दुक्का मान लीजिए स्पीशीज इस अर्थ से धीरे खत्म हो रही है तो मास एक्सटेंशन नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर होना। ठीक है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण नेचर भी हो सकती है। नेचर जब डिस्टरबेंस क्रिएट कराती है, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ऐसे बड़े बड़े डिस्टरबेंस, तो एक मास में स्पीशीज गायब हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं मास एक्सटेंशन। समझ में आया? अब तक टोटल जियोग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, अब तक टोटल 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं 5 बार, और ये छठवां चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता एक दो दिन में नहीं होता है, मास एक्सटेंशन में भी समय लगता है, ठीक है, कई सालों का समय लगता है। मास ज्यादा हो जाता है, हाँ, कई सालों का समय लगता है। 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, अब जो ये टाइम चल रहा है हम लोगों का, ये छठवां है। अब जो एक्सटेंशन होगा वो 6 मास एक्सटेंशन हो रहा है। समझ में आया? इतना था आपको ध्यान रखना। इसका मतलब प्रलय आ रहा है। अब एक IUCN है, IUCN मैंने बताया संस्था है, IUCN उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज अब तक एक्सटेंट हो चुकी हैं, 784 स्पीसीज अब तक एक्सटेंट हो चुकी हैं, ठीक है, 784, जिसमें से 338 क्या है वर्टिब्रेट्स हैं और 359 क्या इनवर्टिब्रेट, 87 क्या है प्लांट्स हैं, ठीक है। लास्ट पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज जो है डाइवर्ट एक्सटेंट हुई हैं, 27 स्पीसीज पिछले क्या हैं इस लास्ट 20 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई है 27 स्पीसीज, ठीक, ये डाटा है सर। आगे देखिए ध्यान से, अब कुछ रिसेंट जो अभी जल्दी में ही ख़त्म हुई है स्पीसीज, जैसे डोडो, डोडो क्या है बर्ड थी, ठीक है, मॉरिशस की बर्ड थी, ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इसके बाद में क्वेगा क्या है, क्वेगा अफ्रीका का है, जानवर है, जीव है, अफ्रीका का क्वेगा, जेब्रा की तरीके से होता है, जैसे जेब्रा की बॉडी पर लाइंस होती हैं, जेब्रा की एक प्रजाति है क्वेगा, अफ्रीका में रहता है, जेब्रा की एक प्रजाति का नाम है, ठीक है। और थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया में, थाइलेसिन समझ रहे हैं ना, तस्मानियन वुल्फ, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ वो थाइलेसिन ही है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टीलर सी काओ रसिया की है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक मैमल है, एक्वेटिक मैमल है, स्टीलर्स सी काओ रसिया में है, ये सब एक्सटिंक्ट हो गई है। कौन जावान के, इसके बाद टाइगर की 3 वैरायटी हैं, टाइगर की 3 वैरायटी एक्सटिंक्ट हुई है, इसमें से बाली है, जवान है और कैस्पियन, आपको सब रखना है। और कुछ डाटा लिखा हुआ है कि 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जो एक्सटेंशन के कगार पर हैं, कि जो भविष्य में कभी भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम हो गई, जैसे चमगादड़, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली है, ध्यान समझिएगा कि कौन सी स्पीसीज, ये ध्यान समझने वाला है। देखिए सब मैं मैटर आपको दे दूँगा, बस सुनते जाइए ध्यान से, ठीक है, इतना नहीं ध्यान सुनते जाइए, अगली बार मिल जाएगा। कौन सी स्पीसीज एक्सटेंशन विलुप्त, जो विलुप्त होती हैं जीव, जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनका कारण क्या है, कि कौन सी स्पीसीज ऐसी होती है, कौन सा प्लांट एनिमल ऐसा होता है जिसमें विलुप्त होने का चांस ज़्यादा है, किसके अंदर चांस ज़्यादा है, जिनके पास कारण तो जो भी है लेकिन किसके अंदर चांस ज़्यादा है कि वो जल्दी ही भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। ध्यान सुनिए, अगर किसी जीव का साइज बहुत बड़ा है, किसी जीव का साइज बहुत बड़ा है तो चांस है कि फ्यूचर में जल्दी ही विलुप्त हो जाएगा। जैसे साइज बड़ा होने का सही समझ रहे ना, क्योंकि साइज बड़ा होगा इसका मतलब क्या है, उसको फूड चाहिए ज़्यादा, उसको ज़्यादा फूड चाहिए, ठीक है, बॉडी में उसको एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी है, उसको फूड ज़्यादा चाहिए। तो अगर उसके लिए फूड कम पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा समस्या किसको आएगी, अगर फूड की क्राइसिस हो रही है तो किस एनिमल को सबसे पहले समस्या आएगी, लार्ज बॉडी साइज को आएगी, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसलिए लार्ज बॉडी साइज के एनिमल्स का एक्सटेंशन सबसे पहले होने के चांस है। दूसरा, वो एनिमल सबसे पहले एक्सटेंड करेगा जो फूड चेन में सबसे लास्ट में है, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे लास्ट में, जैसे लॉयन है,
क्योंकि जो क्या बोलते हैं रैबिट है, ध्यान सुनिए, रैबिट क्या खाता है? घास खाता है। और रैबिट को कौन खाता है? भेड़िया वुल्फ खाता है, और भेड़िए को शेर खाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहती है? रैबिट को मिलती है, क्योंकि प्लांट को डायरेक्ट खाता है। सबसे कम शेर, और सबसे कम शेर को मिलती है, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम किसको मिला? शेर को। तो सबसे पहले वो विलुप्त होगा जिसको सबसे कम भोजन मिल रहा है, सबसे कम ऊर्जा लॉइन को मिल रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? जो हाई ट्रैफिक लेवल पर सबसे पहले हो जाएगा। अगला है, ध्यान सुनिए, जिसका माइग्रेटरी रूट फिक्स है। जैसे बोलते हैं, अगर मान लीजिए किसी को पकड़ना है, किसी को मारना है, तो उसको देखेंगे वो कहाँ से होते जा रहा है, तभी घात लगाए बैठे रहेंगे, हाँ इधर से आएगा वो, उसको पकड़ लेंगे कल को, होता है ना। तो जिस एनिमल का माइग्रेटरी रूट फिक्स है, जिसका अगर कोई एनिमल माइग्रेट कर रहा है, तो उसका रास्ता अगर फिक्स है कि हाँ यहीं से होकर के जाएगा वो, तो उसके प्रेडेटर वहीं बैठे रहेंगे, उसको खा सकते हैं, ठीक है। फिक्स है ना कि हम वहीं से होकर जाएगा वो, तो प्रेडेटर उसको खा सकते हैं, भविष्य में उसी का एक्सटेंशन होने का चांस सबसे पहले है, वही सबसे पहले खत्म होगा, इसका माइग्रेटरी रूट फिक्स होता है। जो इधर उधर से निकल जाएगा, फिक्स नहीं कहाँ से जाएगा। कोई आप ऐसी है जिसमें किया जाए? अभी नहीं। हाँ, क्या करें? इस पैरों देखिए, अब इसमें ये सही फैसिलिटी फॉलो हो रही है, पार्क रोड की क्राइसिस है, और ये चूँकि हंटिंग वगैरह भी होती है इस, हाँ ये सब रीजन है इसके। हाँ नहीं, प्लांट सबसे पहले इसलिए नहीं खत्म होगा, ध्यान सुनिए, क्योंकि अर्थ जो है हाईली रिजर्वर न्यूट्रिएंट का है, उसका खाना पीना कम नहीं हो रहा है, सूरज कभी खत्म नहीं होगा, ऑक्सीजन जल्दी, कार्बन डाइऑक्साइड निल नहीं होगी, प्लांट कैसे खत्म होगा? प्लांट कभी खत्म नहीं होगा। प्लांट कहाँ माइग्रेट करते हैं? सर प्राइमरी है, इसकी वजह से उसे कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। वो खत्म नहीं होगा जल्दी, प्राइमरी डिपेंड है, वो खत्म होगा वो सर प्राइमरी में। एक मिनट लास्ट सुन लीजिए, अभी बताइएगा जो पूछना हो। जिसकी पॉपुलेशन साइज कम है, जिसकी पॉपुलेशन कम है वो सबसे पहले एक्सटिंक्ट होता है। अगला तीन बता दिया मैंने ना, जिसका जनसंख्या सीमित है, जिसका परिवार छोटा है, वो सबसे पहले खत्म होगा। जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, कितना कुछ खत्म हुए, कुछ तो बचे हुए हैं, चांस किसका? जिसकी पॉपुलेशन छोटी है, ठीक है। और जिसका रिप्रोडक्टिव रेट कम है, वो सबसे पहले खत्म होगा। रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब समझ रहे हैं, जिसका प्रजनन दर कम है। कुछ एनिमल होते हैं, इनकी प्रजनन दर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रजनन करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, जिसका प्रजनन दर कम है, पॉपुलेशन स्लो बढ़ाएगा, ठीक जी सर। हाँ बताइए जी, क्या करेंगे? पॉपुलेशन बढ़ने पर, देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट उसका प्लांट पर जाएगा। देखिए हम लोग प्लांट को तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं ना जिनको हम कंज्यूम नहीं करते, हम कंज्यूम नहीं करते, सबको नहीं कंज्यूम करते।